हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपोर्ट करो। आज मैं ऐसे शेयर्स के बारे में बात करूंगा जो कि बेस्ट शेयर्स है और ये मल्टी बैगर साबित हुआ है। यदि आपने शेयर्स में कुछ साल पहले अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो आज हो जाते 7 से 8 लाख रुपए। मतलब कि बस 2 साल के अंदर इतना वो इंक्रीज हुआ है कि आप उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते। और ये ऐसे शेयर्स है जो कि कभी भी ये डाउन नहीं होने वाला। तो आइए बात करते हैं वो कौन सा शेयर्स है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा एलजी इक्विपमेंट्स लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि कुछ पार्ट पुर्जे बनाती है, एयर कंप्रेशर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि इसके बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाती है, जैसे फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव गैरेज एक्सेट्रा। मतलब ये ऐसे ऐसे चीज़ें का पार्ट बनाती है जो कि बहुत ही कॉस्टली दिखती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और मैं आपको दिखा सकता हूँ इसका फाइनेंशियल्स। अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर्स में ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ कराने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपको इसका पहले फंडामेंटल्स दिखा देता हूँ कि फंडामेंटल्स में इसका क्या है। तो दोस्तों, इसका टोटल रेवेन्यू आप देखेंगे ईयर वाइज, तो आप देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ 1160 करोड़ में है, 1160 करोड़, 1359 करोड़, 1346 करोड़, 1411 करोड़, 1383 करोड़ 17 में, 1616 करोड़, 1875 करोड़ एंड 1843 करोड़, 1948 एंड 2581। 2022 में इसने यानी इसकी रेवेन्यू जो टोटल रेवेन्यू है वो काफ़ी इंक्रीमेंट है और हर साल इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। अगर इसकी नेट इनकम की बात की जाए तो ये 60 करोड़, 45 करोड़ है, 48 करोड़ है, 50 करोड़ है, 74 करोड़ है, 95 है, 103 है, 42 है, 102 है और 178 है। यानी इसकी नेट इनकम भी काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट बहुत देखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस कंपनी के पास कितनी एसेट्स है, कितने इसके पास कर्ज है यानी कितने देने हैं, तो वो देखते हैं इसका टोटल एसेट क्या है और इसका एसेट ईयर बाई ईयर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों, इसकी एसेट की बात की है 2012 में इसका 1621 है, 13 में 1053 है, 1164 है, 1156 है, फिर 1106 है, फिर 1107 है, फिर 1252 है, 1375 है, फिर 1551 है, फिर 1700। यानी एसेट भी अगर देखा जाए तो लगातार 4 साल से ये इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। अगर इसकी टोटल लाइबिलिटीज़ की बात की जाए तो इसकी टोटल जो लाइबिलिटीज़ है, जिस लाइबिलिटीज़ का मतलब देने हैं इस कंपनी को, तो 213 है, इतना है, फिर 1619 है, फिर 700 है, फिर 662 है, 559 है, 500 है, इसने कुछ कम किया है लाइबिलिटीज़, फिर 604 है, फिर 783, फिर 800। यानी इस हिसाब से इसके पास 1764 करोड़ का इसका टोटल एसेट है और 994 करोड़ का इसके पास कर्ज है। यानी काफ़ी अच्छा डबल है, यानी कि ये भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर हम इसकी कैश फ्लो की बात की जाए तो एक बार कैश फ्लो भी देख लेते हैं कि इसके पास पैसे आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें फ्री कैश फ्लो में इनका जो है 2022 में 9 करोड़ का फ़ायदा हुआ था, फिर इसका यहाँ पे घटा हुआ था, फिर यहाँ पे भी घटा हुआ था 2014 में, फिर 2015 में इन्हें प्रॉफिट हुआ था 21 करोड़ का, फिर 2016 में 101 करोड़ का, फिर 98 करोड़ का, फिर 6 करोड़, फिर 117 करोड़ का हुआ था, फिर यहाँ पे थोड़ा माइनस हुआ था इनका कुछ, बट यहाँ से हम मेंटेन कर सकते हैं तो ये इसको हम लॉस नहीं कह सकते। फिर यहाँ पर 208 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। दोस्तों, अब हम ओवरव्यू की बात की जाए तो यदि मैंने बोला था कि आप अगर 2 साल पहले आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आपके आज पैसे काफ़ी। तो अगर हम यहाँ पर देखते 1 अप्रैल का अगर हम डेटा देखें यहाँ पर, तो ये 54 रुपये 70 पैसे पर गया था। नहीं, चलिए हम 55 रुपये भी, अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए होते यहाँ पर 55 रुपये के हिसाब से, तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते यहाँ पे और हम 55 रुपए के हिसाब से इसको डिवाइड करें तो कितने शेयर्स आएंगे, 1818 शेयर्स आएंगे, ठीक है। यानी आपको 1818 शेयर्स मिलते 1 लाख में,
ठीक है। और अभी जो करंट रेट है वो आप देख सकते हैं 388 रुपये का है। अगर 388 रुपये में भी आप अगर बेचे होते अपने शेयर्स को तो कितने होते हैं, इसमें 388 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देख लो दोस्तों, ये 7,05,384 रुपये, यानी आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया और 700 गुना आपको रिटर्न दिया 2 साल में। ना कोई बैंक दे सकता है, ना कोई FD दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता है शेयर्स मार्केट में जो आपको इन्वेस्ट करता है। ये अगर आपने 1 लाख रुपये 2 साल पहले इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज आप 7 लाख रुपये के मालिक होते। दोस्तों ये है LG इक्विपमेंट जो कि बहुत ही मल्टी जगह, और आने वाले दिनों में ये काफ़ी इसका प्राइस और ऊपर जाने वाला है, क्योंकि इसका ट्रेंड आप देखेंगे, 1 साल का रिटर्न आप देखेंगे तो ये 85% रिटर्न दिया है, देख सकते हैं 85.61% इसने 1 साल का रिटर्न दिया है। तो आप इसके लिए आप जा सकते हैं, इसको आप एनालाइज कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में आपको बता दिया, आप उसके बेस पे एनालिसिस कर सकते हैं और इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक।